धनतेरस या दौज के त्योहार पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत फिरोजाबाद पुलिस द्वारा की गई तैयारियां। सभी त्योहारों पर दिन रात की शिफ्ट वाइज बाजारों एवं महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। सभी PRV QRT मोबाइल चेतक मोबाइल लगातार जनपद में भ्रमण से रहेंगे। 10,000 से अधिक कैमरे तीसरी आंख द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। सादा वस्त्रों में तैनात पुलिस बल द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। संदिग्धों की चेकिंग और पूछताछ की जा रही है। पटाखों को लेकर भी अनियमितताएं करने वालों पर अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी जनपद वासियों को फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन या दौज के त्योहार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी की किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल डायल 112 संबंधित थाना एवं चौकी पर सूचना देने का कष्ट करें। फिरोजाबाद पुलिस द्वारा आपकी हर संभव मदद की जाएगी। धनतेरस, दीपावली, भैया दौज के त्यौहार पर चार चौवन सौ छविस्ता के दृष्टिगत फिरोजाबाद पुलिस द्वारा की गई तैयारियां। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या जनपद फिरोजाबाद के इंतजाम है? देखिए, धनतेरस और दिवाली का बड़ा त्यौहार है और उसको देखते हुए हमारे जनपद के अंदर में जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। जो देहात क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, दोनों जगहों पर पूरा ड्यूटी चार्ट बनाया गया है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट बाजार हैं, जो हमारी दुकानें हैं, उन सभी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लोगों को हमने लगा दिया है। PRV जो हमारी पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल है, उनको रीडिप्लॉयमेंट करके जो हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कर दिया गया है। और सभी लोगों को ब्रीफ भी किया गया है कि वो एक्टिवली देखें और कोई भी संदिग्ध तत्व हो, संदिग्ध लोग देखें जो मोटरसाइकिल सवार हों, स्पेशली तीन सवारी मोटरसाइकिल लड़के कई बार जो है हमको दिखते हैं, या जो संदिग्ध लोग हों उन लोगों को चेकिंग अवश्य करें। उसमें यदि संदिग्ध पाए जाएँ तो उनको सीज करके उनकी पूछताछ भी की जाए। इसमें यह भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आम नागरिकों को परेशान ना किया जाए, उसमें किसी भी परिवार को उसमें परेशान ना किया जाए, बट सुरक्षा व्यवस्था दोनों जो को ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो CCTV कैमरे हैं जनपद में, हम उत्तर प्रदेश में जो 16 से 24 थानों के जनपद हैं उसमें सेकंड नंबर पे हैं जिनमें CCTV आच्छादन किया गया है। 10,000 के ऊपर CCTV आज की तारीख में जनपद के अंदर में क्रियाशील हो गए हैं। वो सभी जो हमारे बाजार क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों के अंदर में अब CCTV आच्छादित हो चुके हैं। तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं या जो आपराधिक माइंडसेट के लोग हैं, उन लोगों को विशेष रूप से नज़र रखने के लिए ये तीसरी आंख जो है निश्चित रूप से कारगर है और वो लगातार उसकी निगरानी भी कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर में किसी प्रकार के अवांछनीय तत्व यदि होंगे तो वो तीसरी आंख की नज़र में ज़रूर आएंगे। तो इस तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई है। आज फुट पेट्रोलिंग और रूट मार्च वगैरह भी हमारे द्वारा की जा रही है, उसको आज शाम को हम लोग करेंगे। कल बाज़ार में देर रात मैंने स्वयं भी भ्रमण किया था बाज़ारों के अंदर में, जब दुकानें लोग बंद करते हैं। इस तरीके से लगातार हमारी सारी जो पुलिस है, सभी लोगों को बताया गया है कि लगातार फील्ड में रहेंगे। जो पुलिस व्हीकल हैं, जितने भी वाहन हैं पुलिस के, वो सभी बाज़ारों में और इन क्षेत्रों में गश्त करते रहेंगे। ड्यूटी चार्ट डिप्लॉय कर दिए गए हैं, CCTV से नज़र रखी है और उच्च अधिकारी भी ग्राउंड पे जो है वो लगातार भ्रमण करेंगे। पटाखों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, पटाखों में जो हमने देखा है कि कई बार हादसे हो जाते हैं, उसको देखते हुए ऑलरेडी LIU को सतर्क किया गया था। उसमें कई FIR भी क्षेत्र में लिखी गई हैं जहाँ पर भी किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई थी। जो लाइसेंस वगैरह हैं उनको भी त्वरित एक्सेप्ट या रिजेक्ट के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे किसी को वेट ना करना पड़े। और जो CFO और FSO जो हमारे फायर के अरेंजमेंट्स हैं, जो पटाखा बाज़ार है उसमें खासतौर से, और जो लाइसेंसी है उनसे मीटिंग करके उनको थानावार ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो सारी सावधानियाँ रखें, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा सकती है। तो पटाखों पर भी हमारा पूरा ध्यान है और उस पर हमारा खुफिया विभाग भी लगातार सूचनाएं दे रहा है, सूचनाएं हम इकट्ठित कर भी कर रहे हैं और काफ़ी इसमें FIR भी हुई है। तो तरीके से जो भी दिवाली की तैयारियां होती हैं वो सब की जा रही हैं और मेरा सभी जनपद वासियों से मैं एक दिवाली और धनतेरस की बधाई सभी को देता हूँ और सभी से मेरा आग्रह है कि इस दिवाली पर जो CCTV हैं वो अपने घरों में ज़रूर लगाएं और इसके अलावा जो दिवाली का जो त्यौहार है उसमें जिम्मेदारी से उसको करें। ग्रीन दिवाली, स्वच्छ दिवाली, इस तरीके से इसको मनाएं।